हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप सभी के साथ एकदम स्वादिष्ट तीखी चटपटी ओल की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस ओल को कई नाम से जानते हैं, जैसे जिमीकंद, सूरन। इसकी सबसे खास बात है कि इसकी तासीर गर्म होती है, जिसके कारण ये विंटर में हमारे शरीर को वार्म रखने में काफी हेल्प करता है। साथ ही ये स्वाद में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। इसके आप कुछ भी बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो आज मैं आप सभी के साथ एकदम बिहारी स्टाइल तीखी चटपटी ओल की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, साथ ही कुछ टिप भी शेयर करूंगी, जिसके कारण आप इसे लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ओल की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg ओल। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, काफी सख्त होता है, बट इसे काटना बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूंगी, ताकि जब हम इसका छिलका हटाएंगे तो हमें ज्यादा परेशानी न हो। मार्केट में कुछ ओल ऐसे भी मिलते हैं जिसे काटने या छीलने टाइम हाथ में खुजली हो जाती है, तो उस चीज से बचने के लिए आप अपने पूरे हथेलियों में अच्छी तरीके से सरसों तेल लगा ले, इससे खुजली नहीं होगी। और यदि आप बिगनर है तो आप हाथ में ग्लव्स पहन कर भी ये काम को कर सकते हैं। तो ये जो मेरी ओल है ना, उसमें खुजली नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वाली है, इसलिए मैंने सरसों तेल नहीं लगाया है। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसके छिलके निकाल लिए हैं और ये मैंने थोड़े मोटे मोटे छिलके निकाले हैं। ओल के ऊपर का जो छिलका होता है ना, काफी सख्त होता है और काफी गंदा भी दिखने में लगता है, तो आप थोड़े मोटे मोटे ही छिलके निकाले, बहुत ज्यादा पतला न निकाले। यहाँ पे देखिए, मैंने सारे छिलके को कट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से साफ पानी से 2-3 बार धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से धो भी लिया है। ये देखिए एकदम साफ हो गई है। ये मिट्टी के अंदर उपजती है, इस वजह से काफी गंदगी भी होती है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें इसे बॉईल करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर ले रही हूँ और इसमें ये सारे ओल को हम डाल देंगे। और इसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे 2 कप पानी। पानी की ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसे हमें प्रेशर कुक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे हाई फ्लेम पर 2 सीटी और लो फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक करूंगी, और इसका जो प्रेशर है वो हम इसे अपने आप ही निकलने देंगे। तो जब तक इसका प्रेशर निकल रहा है, हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इस चटनी में ना अदरक और लहसुन की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा जाती है। आप थोड़ा ज्यादा ही डालें, तभी जो इसका टेस्ट है वो अच्छा से आएगा। तो आप इसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें, अदरक लहसुन अच्छी तरीके से डालें। और ये जो हरी मिर्च है ना, वो बिल्कुल भी तीखी वाली नहीं है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लिया है। अगर आपकी तीखी वाली है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो इसमें वैसे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन तीनों ही बहुत ज्यादा अमाउंट में जाती है, तभी चटनी का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। ट्रेडिशनली तो हम इस चटनी में अदरक लहसुन को कूट कर डालते हैं। तो आपके पास खल है या फिर आपके पास कुटिया, तो आप उसमें अच्छी तरीके से इसे बारीक कूट ले तभी डाले, या आप इसे चाहे तो ग्रेट करके या बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे मिक्सी जार का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मिक्सी में क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम अदरक लहसुन डाल देंगे और 3 से 4 हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसका ढक्कन बंद करके हम इसे पल्स मोड पे हल्का सा ग्राइंड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा पल्स मोड पे आप ऑन ऑफ करते हुए इसे ग्राइंड कर ले। और इसमें पानी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप 1-2 मिनट बाद ही देखेंगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जो फाइन दरदरा पेस्ट है वो बन गया है। बिल्कुल भी ये पेस्ट नहीं बना है, पेस्ट हमें बिल्कुल नहीं बनाना है, कुछ इस तरीके से दरदरा फॉर्म में ही रखना है। तो एकदम परफेक्ट टेक्सचर वाली अदरक लहसुन की पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने लिया है मूली और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने 3-4 ही इस्तेमाल किया उसमें, तो यहाँ पे मैं इसे कट करके डालूंगी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मूली भी। तो मूली जो है ना, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। मूली डालने से ना चटनी में एक क्रंच ऐड हो जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी वाली नहीं है, आप इसमें कितना भी डाल दीजिए बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। अगर आपकी तीखी वाली है तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मूली को भी मैंने एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक कट कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पे कुकर का भी प्रेशर निकल गया है, तब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट ओल उबल कर तैयार हो गया है। इसमें हल्दी डालने से इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो मैंने इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है और इसे मैंने नाइफ की हेल्प से चेक भी कर लिया था, काफी अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मैश करना है। तो आप चाहे तो इसे फोक की हेल्प से कर सकते हैं या आलू मैशर से कर ले। मैं यहाँ पे हाथ की हेल्प से अच्छी तरीके से इसे मैश करूंगी, क्योंकि जो ओल होती है वो काफी हार्ड होती है अंदर से, तो इसे आप हाथ से अच्छी तरीके से मैश करें, इसमें एक भी गुलठी नहीं होनी चाहिए। और ये प्रोसेस ना आप थोड़े से गर्म में ही करें, एकदम ठंडा करके आप ये प्रोसेस ना करें, हल्का गर्म में ही आप इसमें सारी चीजें डालेंगे ना, तो उसका टेस्ट
ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी यही कुटा हुआ हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच डाला है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया इसमें क्वांटिटी काफ़ी जाती है, तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच डाला है। उसके साथ इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल भी ना इसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में जाता है, तो मैंने यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये बारीक कटा हुआ मूली। अगर आपको मूली खाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मूली एक क्रंचीनेस ऐड करती है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक ना हमने ओल को बॉयल करने टाइम भी डाला था, तो उसी के हिसाब से आप डालें। मैंने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच डाला है। और इसके साथ ही इसमें जाएगी अजवाइन और कलौंजी। तो चटनी में ना अजवाइन कलौंजी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो मैंने यहाँ पे अजवाइन और कलौंजी को मिक्स करके अच्छी तरीके से इसे मैश कर लूँगी, और उसके आधे से डालूंगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से आए। तो आप हाथ में अच्छी तरीके से हल्का सा मैश कर ले, उसके बाद इसमें ऐड करें। अब इस चटनी में खट्टापन लाने के लिए मैं यहाँ पे लेमन जूस डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 नींबू डाला है, आप इसमें आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार भी डाल सकते हैं। और ये जो चटनी है ना वो कुछ टाइम के बाद और भी ज़्यादा खट्टी हो जाती है, तो इसलिए आप इसमें पहले कम ही नींबू डालें, उसके बाद आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और बस इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप सभी चीज़ों को मिक्स कर ले ताकि सभी चीजों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से आपस में मिल जाए। 1-2 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, और ये हमारी सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस चटनी बनकर रेडी है। बहुत ही तीखी चटपटी और एकदम मजेदार चटनी बनती है। इसे आप 10 से 20 दिन तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। बस आप इसे 2 से 3 दिन तक अच्छी तरीके से इसमें धूप दिखा दे, कहीं भी अगर आपके घर में धूप आती है तो 2 से 3 घंटे के लिए धूप में छोड़ दे, और ये प्रोसेस आप 3 दिन करें कम से कम। इससे ये जल्दी खराब नहीं होगी और 10 से 20 दिन ये आराम से चलेगी। तो अगर आपने कभी इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो एक बार मेरे इस तरीके से इस चटनी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी ये तीखी चटपटी चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। और यदि रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आपसे ऐसी रेसिपी मिस ना हो जाए। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही नई मजेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।